ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आज हम आए हैं एक न्यू होटल में, तो मैं आज आपको इसका भी विज़िट करवाऊंगी बिकॉज ये मेरा फेवरेट होटल है। इधर मेरा स्टे बहुत ही अच्छा रहा है, सो मैं आपको भी इधर का विज़िट करवाऊंगी। तो ये इसका लॉबी एरिया है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत प्यारा लगता है और स्पेशली रात को बहुत प्यारा लगता है। जो ये इधर आपको लैंप्स और लाइट्स नज़र आ रही हैं, जब रात को ये ऑन करते हैं तो ये बहुत प्यारी लगती हैं। और मैं डिफरेंट होटल्स इसलिए स्टे कर रही हूँ ताकि इंसान को नेक्स्ट टाइम के लिए आइडिया हो जाता है कि अगर मैं आऊँ तो मुझे कहाँ स्टे करना चाहिए, किसका स्टैंडर्ड क्या है, किसका स्टैंडर्ड कैसा है। अगर आप ब्रेकफास्ट के साथ लेते हैं तो आपको कैसा लगता है, अगर आप ब्रेकफास्ट के बगैर लेते हैं तो आपको कैसा रहता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चल जाए तो एक तो आपका बजट नहीं आउट होता और आपका स्टे भी अच्छा गुजरता है, क्योंकि आपको पहले से आइडिया होता है कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा स्टे कहाँ पर अच्छा रहेगा। अभी हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, अभी जाके आपको रूम दिखाती हूँ। पर्सनली मुझे इनका रूम बहुत बहुत पसंद है, थोड़ा छोटा है लेकिन प्यारा बहुत है। पहले जितने भी होटल्स विज़िट किए हैं आप लोगों के साथ भी मैंने वीडियोस शेयर किए हैं और उनकी निस्बत मुझे इनका स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा लगा है हर चीज़ का। रूम्स इनके थोड़े खुले नहीं हैं मैं मानती हूँ, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ख़ासतौर पे इनका ब्रेकफास्ट तो बहुत ही अच्छा है। बाकी जिन होटल्स में हम स्टे करके आए हैं उनका ब्रेकफास्ट किसी काम का नहीं था, बस आपने खाना तो है ही तो फिर पेट तो भरना है जाहिर है, तो कुछ ना कुछ खा लो आप वहाँ से और नाश्ता कर लो। लेकिन इनके ब्रेकफास्ट में इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, बहुत मुझे पर्सनली इनका ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस वजह से भी मुझे ये अच्छा लगा है होटल, क्योंकि इनके प्राइसेस में थोड़ा ही डिफरेंस है बाकी जो मैंने होटल स्टे किए हैं उसमें और इनमें। ऑलमोस्ट आप कह लें कि 40 या 50 dirhams का बस डिफरेंस है, लेकिन इनका स्टैंडर्ड उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये कबर्स थी इधर, और कबर्स में वो आपने देखा आयरन स्टैंड और वो सब कुछ पड़ा हुआ है। ये मिरर एक लगा हुआ है, नीचे दो जो ड्रॉर हैं, एक में ड्रायर है और इसमें लॉन्ड्री के लिए आपके बैग्स पड़े हुए हैं, अगर आपने लॉन्ड्री के लिए देने हैं तो उसमें अपने कपड़े डालें और दे दें। ये इनका छोटा सा वॉशरूम है लेकिन बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, छोटा है लेकिन बहुत प्यारा लगता है मुझे। थोड़ा सा है ये कि बेड इनका छोटा है, मैं जन्नत को सुलाती हूँ अपने साथ और ये सारी रात बेड पे नाचती है, तो उसकी वजह से बेड इनका थोड़ा छोटा है। लेकिन क्वालिटी वाइज इनका जो मैट्रेस है वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पीछे हम एक होटल में जहाँ स्टे किया था तो उनका मैट्रेस ना उसका स्प्रिंग जो था वो थोड़ा लूज़ था, तो मेरी तो कमर में दर्द शुरू हो गई थी, लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी थी। और ये बाहर कैसे व्यू है, बाहर सामने मस्जिद नज़र आती है, लोग आ रहे होते हैं, नज़र आ रहा होता है, बहुत प्यारा लगता है। बाकी मैं इनके ब्रेकफास्ट की भी वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।
जमीन